आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी विपक्षी एकता से डरे हुए हैं। इंडिया गठबंधन से केंद्र सरकार परेशान है, क्या है पूरी खबर देखते हैं इस रिपोर्ट में। नीतीश कुमार, जिन्होंने विपक्षी एकता की पहल करते हुए सभी विपक्षी दलों को एक छतरी के नीचे लाने का काम किया है, अब उनका साफ कहना है कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन का आकार और बड़ा होगा। इंडिया के साथ और भी कई दल जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि आज की तारीख में इंडिया गठबंधन में 26 दल शामिल है। ये 26 दल आज पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर पीएम मोदी को चुनौती दे दी है कि 2024 में बीजेपी का सफाया होने वाला है। उन्होंने कहा, अपोजिशन ने कहा तो जब काम करना चाहिए ना, तो काम नहीं हो रहा है। जहाँ घटनाएं घट गई तो उसी के बारे में भी कोई बयान नहीं। हाउस चलता है, बाहर घूमते रहते हैं, तो ये सब पहले होता था जी। हम लोग थे जब तक एमपी थे और सरकार में भी श्रद्धेय अटल जी के सरकार में थे या उसके पहले भी सरकार में थे। अब आप समझिए, उस समय सब लोग रहते थे, अब अभी लोग नहीं रहते हैं, अपना कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो हमको देखिए, आप चूंकि एक बात हम खाली कह देते हैं, हम आप लोगों को हाथ जोड़ करके कह देते हैं कि अब जो है एक तरफा ही कुछ कुछ छपते रहता है। अब और लोग जो बोला उसका खबर नहीं आता है, आज दिन भर छपता है कि क्या बोल रहे हैं, तब उसको देखने की क्या जरूरत है। अब तो हम देखना घटा दिए, तो इसलिए कोई मतलब नहीं। और ये अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है किसी बात को रखना, तो उसको रख रहे हैं। तो उनको सीएम नीतीश के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा और इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विपक्षी एकता गठबंधन इंडिया को पीएम मोदी की ओर से घमंडिया बताए जाने पर आरजेडी नेता ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को जो आशा थी प्रधानमंत्री, उस पर खरे नहीं उतरे। प्रधानमंत्री केवल विपक्ष के लोगों को निशाना बनाना चाहते हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। देश हित में जो कदम मणिपुर हिंसा को लेकर उठाना चाहिए था, वो केंद्र सरकार ने नहीं किया। जब से इंडिया गठबंधन बना है, तब से बीजेपी वाले घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज भी बदली हुई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।